के पास चलते हैं। मातरम, बोलिए। मैं डीएस अग्रवाल गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ रेल मंत्री के रिश्तेदार रेल घोटाले में, कोयला मंत्री के रिश्तेदार कोयला घोटाले में, और आईपीएल के प्रमुख के रिश्तेदार आईपीएल घोटाले में, ऐसा क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल है। हाँ, धन्यवाद। जो भी सत्ता पे बैठता है वो अपने हाथ काले करने के बजाय अपने आपने लोगों को वो काले हाथ करने के लिए खुली छूट देता है। आखिर में चेहरा तो उसी का काला होता है, लेकिन तब तक वो इतनी काली पोत चुका होता है कि पूरा खेल बर्बाद हो चुका होता है। अगले कॉल। नमस्कार, वंदे मातरम। बोलिए, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ, चलिए कुछ कॉलर कॉल तो लगाते हैं लेकिन आगे बात नहीं कर पाते, लगने के बाद क्या बोलना है शायद भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, हम इस देश को इस विषय के लिए तैयार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप केवल टीवी देखें, टीवी का नंगा नाच चले और आप कुछ ना बोले, ऐसा ना हो। इस नंगे नाच के खिलाफ बोलने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए बिंदास बोल लाया है, इसलिए आप, हो सकता है कि पहले बार कॉल कनेक्ट होने पर आप बोल नहीं सके लेकिन आप कॉल करने के लिए प्रेरित हुए, यही हमारा यश है। अगले कॉलर। नमस्कार, जय हिंद सर। बोलिए। आज की डेट में जितने घोटाले हो रहे हैं, सारे घोटाले ये तो छोटे छोटे प्याले हैं, बाकी केंद्र सरकार में बैठे जितने मंत्री हैं वो बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ रहा है। ये सब मिले हुए हैं और सब मिलके देश को खाने के चक्कर में बर्बाद किए जा रहे हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बठिंडा से बोल रहा हूँ सर। पंजाब में भी तो खेलों के महासंघों पर तमाम राजनेता बैठे हुए हैं। पंजाब 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 हाल है, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपका मुद्दा लेकर आए, क्या खेलों से राजनेताओं को बाहर, क्या राजनेताओं का जो अतिक्रमण खेलों पर हुआ है इसको दूर करना चाहिए। अब तक के सारे कॉलर सोशल नेटवर्किंग पर जो नेटिजन से, उन सभी ने इस मुद्दे का समर्थन किया है और इन लोगों को दूर करने की बात कही है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इन खेलों को बचाना चाहते हैं या राजनेताओं का नंगा नाच जारी रखना चाहते हैं? कॉल करके अपनी बात को रखें। कॉलर जहीन, बोलिए। नमस्कार, क्या कहिए? वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। हाँ, सभी खेल राजनेताओं के चंगुल से मुक्त होना चाहिए। हाँ, आईपीएल का बुनियादी ढांचा गैर जवाबदेह एवं अपारदर्शी क्रिकेट प्रशासन है। चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे जो है वो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी हो, ये जितने साफ सुथरे लोग हैं, आप ये बताएं जरा कि साथ खेलना है कांग्रेस के साथ मिलके, और जो है क्या ये जो है मतलब कि कांग्रेस के जो है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का जो एजेंडा है, उसको क्या प्रमोट कर रहे हैं क्या दूसरे पार्टियों में रहके? बिल्कुल, बड़ा सवाल है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। ये भी है कि जिस भी राज्य में जो भी दल, छोटा मोटा दल कई सत्ता पर आता है, कोई कई विधायक बनता है तो उस जिले का या तहसील का, अगर कोई भी सांसद बनता है तो उस अपने क्षेत्र का, कोई मुख्यमंत्री बनता है तो अपने राज्य का, कोई मंत्री बनता है तो अपने राज्य का, ऐसे विभिन्न पदों पर खेलों के आसीन हो जाते हैं और फिर वो छोड़ने का नाम नहीं लेते। कई लोग तो इतने सालों से है कि विजय कुमार मल्होत्रा तो करीब करीब मेरे जन्म के पहले से उस तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। पता नहीं उन्होंने कितने तीर मारे और इस खेल को कहां तक पहुंचाया, लेकिन इस खेल को अगर किसी के रोड़ा बने हुए है तो ऐसे ही राजनेता है जो अपनी खुर्ची गर्म करने के लिए उस खेल का उपयोग करते हैं। अगले कॉलर। वंदे मातरम जी, मैं जम्मू से प्रभात बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी सर, मैं बोल रहा था कि ये राजनेता जो है हमारे देश में, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छुआछूत के बीमारी की तरह है। जिस चीज को भी आप लगाते हैं गंदा कर देते हैं, चाहे सबसे बड़ा जांच आयोग सीबीआई हो, खेल संघ हो, या भी कोई भी हो, उसको ये छुआछूत की बीमारी की तरह गंदा कर देते हैं। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल
धन्यवाद कॉल करने के लिए। ऐसे कई तमाम खेल संघों की लंबी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे कि कौन कौन वो खेल है, जिन खेलों की लिस्ट अगर हम देखेंगे तो लगातार कई लोग ऐसे हैं जो इन पदों पर बने हुए हैं। ये तो कुछ चंद ही हम आपके लिए नाम लेकर आए हैं, लेकिन ये अगर हम लिस्ट आपके सामने रखेंगे जो प्रदेश स्तर तक जाएगी, तो कोई भी खेल ऐसा नहीं बचा है जहां पर कोई राजनेता नहीं बैठा। हालांकि मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं, हालांकि मैं नहीं जानता ऐसे किसी नाम को, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग खेल का भला करने के लिए भी काम करते हो, लेकिन ज्यादातर ये लोग हैं जो नुकसान करते हैं। कॉलर जय हिंद सर, बोलिए। ये सर कि जो खेल में इस समय जो चल रहा है प्रकरण, ये बहुत शर्मनाक है, पूरा है। और ये हम जो चाहेंगे, एक बार विधायक सांसद आदमी बन जाता है तो उसका जिंदगी भर का पट्टा लिखा रहता है, उसको रेलवे का टिकट फ्री, हवाई जहाज की यात्रा फ्री, मुफ्त खाना फ्री। अगर इस पे लगाम करेगी गवर्नमेंट, अगर इस पे प्रधानमंत्री इस पे लगाम करें तो ये खर्चा बचेगा, जो हम लोगों को टैक्स लगता है, हम लोग रेवेन्यू देते हैं, उस पे खर्चा बचेगा। इससे आम जनता की परेशानियां दूर होंगी, आम जनता को राहत मिलेगी। जो बुंदेलखंड में, हम बुंदेलखंड से बोल रहे हैं इस समय रात से। धन्यवाद। इन लोगों को इस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। देश में कहां सूखा पड़ा है, कहां पर क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो है अपने खेलों के दुकान से ज्यादा मोटा से मोटा पैसा कैसे कमाया जाए। इस खेल के कई ऐसे किस्से हैं। सुरेश कलमाड़ी जब ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, तो भारत जब आखिरी ओलंपिक में खेलने को गया तो एक पदक, जब हमको रजत पदक मिला तो इन्होंने इतनी बड़ी पार्टी कर दी, लेकिन उस पार्टी में खिलाड़ी करीब करीब ना के बराबर पहुंचे। लेकिन सुरेश कलमाड़ी का जो ओलंपिक राजनीति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको चमकाने के लिए उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया। कई बार तो ऐसा होता था कि खेलने के लिए एक खिलाड़ी जाता था और उसके साथ उसके महासंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव या अन्य उसके जो चट्टे बट्टे होते हैं, वो पांच पांच की संख्या में जाते थे। दुखद बात है कि खिलाड़ी तो इकोनॉमी क्लास में जाता था, लेकिन उसका अध्यक्ष बिजनेस क्लास में जाता था। खिलाड़ी तो शिविर में रुकता था, लेकिन उस महासंघ का अध्यक्ष फाइव स्टार होटल में रुकता था। खिलाड़ी वहां जीते या मरे, वो तो अपनी पार्टी करता था, अपनी मौज मस्ती करता था। खेल का नामो निशान रह जाए या मिट जाए, इसकी कदर नहीं करता था। और ऐसे ही हम लगातार कई साल ओलंपिक खेल रहे हैं और बगैर पदक मिलाए, बगैर पदक जीते वापस लौट रहे हैं। अब आने वाले ओलंपिक में कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि व्यवस्था वही है, कोई बदलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग वही है। कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आप चुप है, आप इसके खिलाफ बोलते नहीं हैं, जो खिलाड़ी है वो इनके खिलाफ बोलते नहीं हैं। और अगर कोई बोलने की प्रयास करता है, हिम्मत करता है, तो उनको राजनीतिक तरीके से ये नेस्तनाबूद कर देते हैं। इसलिए एक एक बोलेगा तो बात नहीं बनेगी, सब साथ मिलकर आए और बोले तो बात बनेगी। और इसलिए बिंदास बोल हम आपके सामने लेकर आए। अगले कॉलर जय हिंद, बोलिए। राजनेता जहां घुसेगा वहां की दुर्गति निश्चित है। खेल हो, शिक्षा हो, प्रत्येक क्षेत्र में वहां जहां राजनेता का समावेश होगा वहां अपने पैसे का जुगाड़ जरूर कर लेगा, क्योंकि वह पावरफुल राजनेता है। इनके पीछे की फौज केवल गुंडों, डकैतों, आपराधिक, असामाजिक तत्वों की लाइन लगी होती है। उनका भारी खर्चा पानी वगैरह कहां से। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। हाँ जय हिंद, बोलिए। जय हिंद साहब। जय हिंद। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो काले काम है ना, ये जो बड़े नोट है ना अपने, ये छपे हैं। धन्यवाद। हम परिणाम आपको दिखाते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर। लोगों का खेल से विश्वास उठ जाएगा अगर इसी तरह से लगातार हमारे राजनेता खेल संघों की कुर्सी पर बैठकर मनमाने ढंग से अपना दबदबा बनाएंगे। उससे अच्छे खिलाड़ियों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। खिलाड़ियों के मनोबल में गिरावट। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे राजनेता प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करते हैं। इससे खेलों में भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है और अच्छे खिलाड़ी खेल से दूर रह जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि खराब हो जाएगी। जिस प्रकार से हमारे राजनेता खेल संघों पे कब्जा किए हुए हैं और लगातार घोटाले कर रहे हैं, इससे हमारे देश की छवि पूरी दुनिया में खराब हो जाएगी। खेल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर हमारे राजनेता खेल को राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे तो इससे खेल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और लोग खेल से अपना मुंह मोड़ लेंगे। ये परिणाम होंगे अगर आप चुप बैठेंगे, क्योंकि आप चुप बैठेंगे तभी ये लोग यहां बैठ पाएंगे। आप बोलने को अगर तैयार नहीं है तो ये परिणाम होना तय है। कॉलर, जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। आज राजनेताओं को सिर्फ क्रिकेट में ही दिलचस्पी रह गई है, बाकी सब खेल तो अभी नेताओं ने विलुप्त करवा दिए हैं। हाँ, आज खेल में राजनीतिक षड्यंत्र पूरी तरह हावी हो गया है और असली प्रतिभाओं का खेल में आगमन ही नहीं हो पाया है। वंदे मातरम। बिल्कुल आपने सही कहा कि असली प्रतिभा खेल में आ ही नहीं पाती, क्योंकि खिलाड़ी को चुनने की, उसको सिलेक्शन करने की जो प्रक्रिया है वो इन प्रमुखों के, इन अध्यक्षों के, इन राजनेताओं के हाथ में है और वहाँ पर भाई भतीजावाद चलता है, अपना पराया चलता है, जाति पाति चलती है, धर्म भेद चलता है, प्रांत भेद चलता है, वहाँ पर पैसा भी चलता है। ऐसे में प्रतिभा अगर आती भी है तो सबसे नीचे पायदान पर, और उसका नंबर दुर्भाग्य से आता ही नहीं और इसलिए भारत को कभी मेडल मिलता ही नहीं। अगले कॉलर। ये सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर राजनेताओं को खेल से तो बिल्कुल दूर होना चाहिए। देखिए अभी पवन बंसल, उनका घोटाला, उनका रिश्तेदार करता है घोटाला, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोयला घोटाला, सारे नेताओं तो घोटाले के बीच में लगे हुए हैं, खेलों को भी घोटाले में लगा दिए। खेल को क्या कहा गया है? बिल्कुल इनको, बिल्कुल इनको बहुत दूर रखना चाहिए इनको। सबसे बड़ी ऐसे लोगों को दूर रखने की बात तो सब करते हैं, लेकिन अपने अपने यहाँ पर अगर कोई भी टूर्नामेंट हो तो उसके उद्घाटन के लिए राजनेता को ही बुलाते हैं। आशा करते हैं कि कोई जो पहली प्राइज हो ये राजनेता दे, भले वो किसी भी करप्शन से लेकर आए, बल्कि वो तो अपने काले धन को सफेद करने के लिए, आपके सैंक्शन के लिए, अपने पाप में आपको भागीदार करने के लिए तो चाहता है कि अपने क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम हो उसमें चंदा उस काले धन वाले का जाए। ऐसा भ्रष्ट राजनेता चाहता है कि क्रिकेट की टूर्नामेंट हो तो वहां पर पहली प्राइज हो दे, उसके नाम से वो टूर्नामेंट लगाई जाए, उसके हाथों उद्घाटन हुआ जाए, क्योंकि अगर वो वहां पर पैसे देगा तो उसके काले धन से, काले कमाई के ऊपर आप उंगली उठा नहीं सकते। ऐसा करके आप उसके पाप के भागीदार बन रहे हैं, ऐसा करके आप आपका लोकतांत्रिक अधिकार खो रहे हैं, ऐसा कर आप एक डकैत को खुलेआम डकैती करने के लिए छूट दे रहे हैं। आप खेल खेल भावना से खेलिए, चाहे वहां पर मैदान में घास ना हो, चाहे आपकी पहली प्राइज कोई बड़े अट्रैक्टिव अमाउंट ना हो, लेकिन आप किसी ईमानदार व्यक्ति से, किसी खिलाड़ी से खेल की शुरुआत करिए तो ऐसे भ्रष्ट नेताओं को आप प्रोत्साहित, प्रमाणित और लोगों के सामने उनके भ्रष्टाचार को सैंक्शन देने का पाप नहीं करेंगे। अगले